ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتين ملت تمام تعريفين हर किस्म की बड़ाई किबरियाई उसी अकेले अल्लाह के लिए लायक वैबा है जिसने हम तमाम पर अपनी सारी नेमतें मुकम्मल सलाम हो, नबी हदा महम्मद मुस्तफ़़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पर जिन पर दरुदो सलाम, अल्लाह की रहमतों, बरकतों के हुसूल का बड़ा बेहतरीन ज़रिया है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वही वसलम तफीरा हाज़रीन ये दुनियावी ज़िंदगी एक आज़माइश है एक इम्तहान है और इस इम्तिहान की कामयाबी का सबसे बेहतरीन तोशा तकवा डर अल्लाह की खशियत है जिसने अपनी दुनिया आखिरत के लिए अल्लाह के डर जैसे अज़ीम तोशे को तैयार कर लिया तो उसकी कामयाबी के आसार उसकी कामयाबी के अम्कान काफ़ी रोशन हो जाते हैं और जो आदमी अल्लाह के तकवे अल्लाह के डर से महरूम हो याद रखें न उसकी ज़िंदगी सुकून व इतमान की गुज़र पाती है और ना ही वह आख़िरत में अल्लाह की तरफ़ से रहमतों बरकतों का मस्त हो सकता है मज़दस हाजरीन तकवा की मख्तल तारीफ़ें बयान की गई हैं उनमें से एक तारीफ़ ये है कि आप कोई भी भलाई का नेकी का काम अल्लाह की रजा हासिल करते हुए अल्लाह की रजा की तलाश में मुकम्मल दलाइल की रोशनी में उस नेकी को अदा करें और अल्लाह की नाफरमानियों को अल्लाह की रजा उसकी खुशनुदी तलाश करते हुए मुकम्मल बराहीन की रोशनी में अपने आप को उन नाफरमानियों से बचा लें ये हकीकत में तकवा है ये तकवा डर है अल्लाह का खौफ है कि बंदा अपनी मनमानी करते हुए जो उसका दिल पसंद करे वो कर ले जो उसकी अक्ल कहे वो कर ले जो उसका दिल ना चाहे उसे छोड़ दे जिसको उसकी अक्ल गलत करार दे उससे रुक जाए यह हकीकत में तकवा नहीं कहलाता अल्लाह का डर और तकवा ये है कि आप कोई काम बतोरे नकी बतोरे सवाब के आप करें तो आपके पास दलील हो क़ुरान हदीस से कोई हुज्जत हो जिससे साबित होता हो कि ये नेकी का काम है भलाई का काम है और आप अल्लाह की रज़ा के लिए दुन्यवी मकासद को छोड़ कर के दवी फ़ायदों को छोड़ करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप करें तो दर हकीकत ये तकवा ये नेकी और अल्लाह को खुश करने वाला काम है और इसी तरीके से तकवा ये है कि आप किसी गुनाह को किसी नाफरमानी को आप अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर उस काम को आप छोड़ रहे हैं जिसके छोड़ने पर क़ुरान से कोई दलील हो अदी से कोई दलील हो कि ये बुराई है यह अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाला काम है ये अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम है दलील के साथ बुरहान के साथ आप किसी बुराई को किसी गलत चीज़ को छोड़ दे अल्लाह की रज़ा चाहते हुए अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए यह हकीकत में तकवा है कोई बंदा इसलिए छोड़ दे कि वो करने का उसे मौका ना मिल सका पूरी कोशिश उसने कर ली लेकिन उसे कोई चांस ना आ सका या इसलिए छोड़ दे कि उसका दिल नहीं चाहता उसकी अक्ल उसे कबूल नहीं करती या इसलिए छोड़ दे कि फलां को पसंद नहीं है फलां को पसंद नहीं है ये सब तकवे में शामिल नहीं होता है तकवा ये है कि सबसे पहले तो उसका ग़लत होना कुरान और हदीस से साबित हो आप छोड़ें तो आपके पास उसकी कोई दलील हो और आप छोड़ें तो आपका मकसद अल्लाह की रजा अल्लाह की खुशनुदी हो तब जाकर के हकीकी मानों में तकवा होता है मजदस हाजरीन कुरान मजीद की मख्तलफ आयात और मख्तलि अहादीस शरीफा तकवे के ताल्लुक से हुक्म देते हुए ये बात वाजह करती हैं कि तकवा सबसे बेहतरीन तोशा है तकवा सबसे बेहतरीन अमल है और ख़ास तौर पर जब किसी इंसान की नज़र आप पर ना पड़ती हो किसी इंसान की नज़र आप पर ना पड़ती हो ना आपकी बीवी आपको देखे ना आपके माँ बाप आपको को देखें ना आपकी औलाद आपको देखे न दोस्तों की आप पर नज़र पड़े न किसी जान पहचान के शख़्स की आप पर नज़र पड़े ऐसे हालात में सिर्फ़ अल्लाह की नज़र को महसूस करते हुए सिर्फ़ अल्लाह की नज़र को महसूस करते हुए अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब से डरते हुए नफ्स पर तकलीफ़ नफ्स पर तकलीफ़ गुज़रने वाला काम क्यों ना हो नफ़्स पर मशक्क़त वाला काम क्यों ना हो आप उसको अल्लाह की खातिर करें या फिर नफ्स चाहता है कि उसको आप करें लेकिन अल्लाह की खातिर उसे आप छोड़ दें यह हकीकत में अल्लाह का ग़ैब से डर है ग़ैब में अल्लाह से डरना है जिसकी बड़ी फजीलतें हैं जिसके ताल्लुक़ से नबी करीमत वसलाम की बेशुमारहदीफ़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो ग़ैब में अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के रास्ते खोल देते हैं कुरान और हदीस में बेशुमार ऐसे नफ़े बेशुमार ऐसे फ़ायदे और बेशुमार ऐसे समरात का ज़िक्र है कि अगर बंदा हकीक़त में अल्लाह का डर अपने दिल में पाल ले कुछ करे तो अल्लाह से डरते हुए करे कुछ छोड़े तो अल्लाह से डर करके छोड़े दलाइल की रोशनी में छोड़े तो याद रखें अल्लाह ताला ने उसके बेशुमार फ़ायदे नबी करीम वसलाम ने उसके बेशुमार फ़ायदे गिनाए हैं मैं इला आपके सामने दुनिया के कुछ फ़ायदे जो इंसान को हासिल होते हैं और आखिरत के कुछ फ़ायदे जो इंसान को तकबे से मिलते हैं उनमें से कुछ का मैं आपके सामने तस्करा करूँगा वरना बेशुमार फायदों का तस्करा कुरान और हदीस में हमें मिलता है हाजरीन तकबे के जो मुख्तलिफ फायदे हैं उसमें से एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी फिरासत, ऐसी समझदारी और ऐसी अक्ल दानिश अता करेगा कि आप जिसके ज़रिए बड़ी आसानी से आपके लिए कौन सी बातें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा मंद हैं और कौन सी नुकसानदेह हैं बड़ी आसानी से आप उनके दरमियान फ़र्क कर पाएंगे खुतबे के शुरू में मैंने आपके सामने एक आयत की तिलावत की या यूहदीन अमन तक लाल फुरकाना क्या ईमान वालो अगर तुम हकीकत में अल्लाह का तखवा अपने दिल में रख लो हकीकत में अल्लाह से डरने लगो यजाल फुरकाना अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक ऐसा मलका ऐसी सलाहियत तुम्हारे दरमियान पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर डाल देगा कि जिसके ज़रिए तुम आसानी से सही और गलत में हक और बातिल में और नफा बख्श और नुकसानदेह चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर पाओगे फुरकान कहते हैं العلم الذي الذي يفرق يفرق به به फर्र कभी बेना वजलाल ये ऐसी ऐसी बसीरत ऐसी हिदायत ऐसी توفيق होती है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो वो बड़ी आसानी से कौन सी बात हिदायत वाली बात है कौन सी गुमराही वाली बात है इन दोनों में फ़र्क कर पाता हक कौन सी बात है बातिल कौन सी बात है फ़र्क़ कर पाएगा और ख़ुसूसी तौर पर और हराम के मसाले में हलाल को लेगा हराम से अपने आप को बचा लेगा ये उसी के लिए मुमकिन है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो अल्लाह का तकवा हो और जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो हम अपनी जिंदगियों में अपनी जिंदगी हो मुआशरती जिंदगी हो बेशुमार ऐसी मिसालें हम जानते हैं कि हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर कई दीनदार लोग जो ज़ाहरी तौर पर दीनदार नजर आते हैं दिलों में तकवा ना होने की बुनियाद पर हलाल और हराम में फ़र्क ना हो सका हलाल और हराम में फ़र्क ना हो सका उन्होंने हराम को भी इख्तियार किया हलाल को भी इख्तियार किया जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तकुल्ल है जाल फुराना अगर तुम अल्लाह से हकीकी मानों में डरने लगो तो अल्लाह ताली तुम्हारे दिलों में फ़र्क करने का मादा हैसियत सलाहियत पैदा करा देते हैं और मजद हाजरीन व तखल्ल नूर

ये उसी के लिए मुमकिन है जिसके दिल में अल्लाह ताला ने नूर डाला हो सलाहियत पैदा की हो और ये सलाहियत अल्लाह ताला तकवे के बदले में पैदा कराते हैं तकवे के बदले में तमाम चीज़ें उसे मैसर होती हैं मौज़ साजरीन हमारी ज़िंदगी पर ज़रा गौर करें कि हमें खैर की तोफ़ी न मिले बुराइयें बुराइयाँ हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ हलाल और हराम की तमीज़ में हम कमज़ोर पड़ जाएँ सही और गलत की पहचान ना हम कर सकें तो याद रखें ये हमारे दिलों में तकवे की कमी है अल्लाह से ग़ैब में डरने की कमी है या हमारे तन्हाइयों के गुनाह हैं तन्हाइयों की नाफरमानियाँ हैं कि जहाँ पर हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए था हमने अल्लाह का डर छोड़ दिया जिसके नतीजे में खैर से बंदा महरूम हो जाए हलाल और हराम की तमीज़ से बंदा महरूम हो जाए या हलाल और हराम की तमीज़ रखते हुए हराम में इर्तक... हराम का इरतक करने लगे हराम में पड़ जाए दर हकीकत ये हमारे दिलों के तकवे की कमी है हमारे दिलों में अल्लाह के डर की कमी है मसरीन ये एक फ़ायदा है जो अल्लाह ततकियों को अता करता है हो सकता है कि आप किसी को हलाल समझते हों जहरी तौर पर वह आपके लिए मुबाह नजर आए जाहरी तौर पर वह आपके लिए जायज नजर आए लेकिन नतीजे के अतबार से देखें नतीजे के अतबार से देखें हो सकता है ये आपकी दुनिया को बिगाड़ने वाला हो रिश्तों को बिगाड़ने वाला हो आखिरत को बिगाड़ने वाला हो या कोई ऐसा नुकसान आप तक पहुँचाने वाला हो जो आपको आपकी अक्ल से समझ में ना आए क्योंकि आपको वो बसीरत ना मिली वो नूर ना मिला जो अल्लाह ताला मुतकीयों को अता करता है हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से वाक़ होते हैं कि हम अपने आप को जायज़ कामों की हदूद में रखने की कोशिश करते हैं मुबाह कामों में रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे मुबाह काम जिनका छोड़ देना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था उनके करने की वजह से हम बुरे अंजाम का शिकार हो जाते हैं ये तकवे की कमी की वजह से आम तौर पर हुआ करता है और मजद्रीन एक और जो दुनिया में अल्लाह ताला तकवे का फायदा हमें पहुंचाते हैं काम बड़े आसान हो जाते हैं आप कोई काम करने जाए आप कोई तजारत शुरू करें आपके सामने कोई मसला हो आपके सामने अल्लाह महफूज रखे कोई मुश्किल हो वो मैत है जाम रही उसरा अल्लाह फरमाते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो जो अल्लाह से हकीक मानों में डरने वाला हो अल्लाह तला उसके तमाम मामलत को आसान कर देते हैं उसके मसाइल आसान हो जाते हैं वो मसाइल में उलझता नहीं है वो किस्म के मसाइल का शिकार नहीं होता है मसरीन हम अपनी जिंदगियों पर ज़रा गौर करें मख्तलफ मसाइल मख्तलफ़ मुश्किल मख्तलिफ़ आजमाइशें हमारी जिंदगियों में नज़र आती हैं बल्कि बाज़ात छोटे छोटे काम जो बड़े आसान नज़र आते हैं जो बड़े आसानी से हो जाने चाहिए जो बड़े आसानी से हो जाने चाहिए वो काम भी मुश्किल हो जाते हैं उन कामों में भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं उसमें भी रुकावटें पैदा हो जाती हैं याद रखें इसके असबाब में से एक बड़ा सबब हमारे दिलों में ग़ैब वै, में अल्लाह से डरने का जो मलका होना चाहिए अल्लाह से गैब में डरने की जो सलाहियत होनी चाहिए जो हमारी सिफत होनी चाहिए ये ना होना ये हमारे मामलों को मुश्किल बना देता है ये हमारे मामलात को मुश्किल बना देता है आसान से आसान डीलिंग अगर कोई बंदा करने के लिए आगे बढ़े कुछ ऐसी रुकावटें पैदा हो जाती हैं अनदेखे कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। कहता, है कहता है कहता है कि कहां से मसला पैदा हो गया खोल तो मैं नहाजा जंगे के मौके पर साहबा को काफिरों पर फतह मिल गई लेकिन बिन वलीद के जो उस वक्त हालत कुफ्र में थे एक मकर की वजह से मुसलमानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा सत्तर सहाबा शहीद कर दिए गए अल्लाह के नबी पर हमला हुआ सहाबा कहने लगे अन्ना हाजा ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया अल्लाह ने कहा कुल्हुआन दुम ये तुम्हारे अपने करतूत की वजह से है तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है तो मज़ाजरीन हमारे अपने मसाइल में मुश्किल जो पेश आती हैं हमारे अपने लिए जो मुख्तलिफ जिंदगी के मसाइल हमारे सामने उलझते हुए नज़र आते हैं याद रखें ये हमारे अंदर तके की कमी है ये हमारे अंदर अल्लाह के डर की कमी है जिसकी वजह से अल्लाह तला बजायसके के मामला को आसान करे इंसान की अपनी बुराइयों की वजह से अल्लाह का डर न होने की वजह से मामलात को उलझा दिया जाता है मामलात उलझते जाते हैं और इंसान उसी एक काम में अपना काफ़ी वक्त काफ़ी पैसा निकाल देता है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाता मज़ाजरीन मैतल्ला है जल्द मिन्री ऊसला यह अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह से हकीकी मानों में डरेगा जो अल्लाह से हकीकी मानों में डरेगा याद रखें अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके मामलात को आसान कर देता है और बजाद इसी तरीके से दुनिया में तखबे से जो फ़वाद हमें हासिल होते हैं उनमें से एक फ़ायदा ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में बरकतों की जो कमी नज़र आती है बरकतों की जो कमी नज़र आती है ये हमारे दिलों में अल्लाह का डर न होने की वजह से है हमारे दिलों में अल्लाह का डर जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं लफ़तहना वलोरा फतह वल वर कि अगर ये करिए वाले जिनको अल्लाह ने किताब दी जिनको अल्लाह ने शरीयत दी ईमान कबूल कर लेते अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लेते अल्लाह से डरने लगते तो हम आसमानों से ज़मीनों से बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते मजहर इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ईमान ला लो और तकवा इख्तियार कर लो आसमानों ज़मीनों की बरकतें आप पे खुल जाएँगी बरकतों का माना सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके पैसों की गिनती बढ़ जाए आपकी जायदाद बढ़ जाए बरकतों का माना सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा मालदार हो जाओ मोसरीन बरकतों के मानी में से एक माना यह भी है कि जो जितना आपके पास है वो आपके लिए आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए आपकी इज्जत और इस्मत की, की हिफाजत के लिए आपके स्टेटस और मकाम की हिफाजत के लिए अल्लाह उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि वो आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाता है नबी करीम इसरा तो की जिंदगी देखें अल्लाह के नबी के सहाबा की ज़िंदगी देखे मुख्तर मुख्तसर दुनिया के सामान में उन लोगों ने ज़िंदगी गुजार दी लेकिन बरकतें उनकी ज़िंदगियों में इतनी रहीं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उन पर बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल कें और आखिरत में अपनी रजामंदी आखिरत में अपनी तरफ़ से जन्नतों के उनसे वादे किए मज़ा हाजरीन हमारी जिंदगी में बरकतों की कमी हमारी ज़िंदगियों में हमारा अपना माल हमारी अपनी सलाहियतें और हमें अपने जो ज़िंदगी में कनात पसंदीय नज़र नहीं आती हैं उसके एक उनके जो मुख्तलिफ असबाब हैं उनमें से एक बड़ा सबब हमारे दिलों में तकवा नहीं रहा हमारे दिलों में अल्लाह का वो डर नहीं रहा ग़ैब में अल्लाह से डरने का वो मादा वो हैसियत और सलाहियत हमसे चली गई जिसकी बुनियाद पर हमारी जिंदगियों में बरकतें नज़र नहीं आती हैं तो मजहस हाजरीन बरकतें अगर चाहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कनात अगर चाहिए अल्लाह तला की तरफ से बेनियाजी अगर चाहिए अल्लाह का तकवा दिल में पैदा करने की कोशिश करें खास तौर पर खास तौर पर गैब में अल्लाह से डरे गैब में अल्लाह से डरे अकेले में अल्लाह से डरें तन्हाइयों में अल्लाह का खौफ पैदा करें अल्लाह तला दुनियावी जिंदगी को भी बाबरकत बना देते हैं रहमतों बरकतों का उस पर नजूल फरमाते हैं आख़िरत की कामयाबी की जमानतें अल्लाह ताला देते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आप को अल्लाह से हकीकी मानों में डरने वाला बनाए हमारे दिलों को अल्लाह अपने तकवे से मामूर फरमाए आमीन अकुल्लाखमसमसमफ़ुररहिम

जो कुछ तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ मक्र किए हुए हैं उन तमाम को अल्लाह ताला घेरे हुए हैं अपने घेरे में लिए हुए है मौज सहाद्रीन इससे ये पता चला कि अगर हमारे दिलों में अल्लाह का डर हो तो हमारा लोग हजार बुरा चाह लें इस्लाम दुश्मन मुसलमानों के दिलों में अगर अल्लाह का डर हो मुसलमानों के खिलाफ हज़ार मकर कर लें कोई कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला उनको चार जानिब से घेरे हुए है अल्लाह ताला उनको हर जानिब से घेरे हुए है वो अल्लाह के घेराव से निकल नहीं सकते अल्लाह की पकड़ से निकल नहीं सकते ज़रूरत इस बात की है ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों में अल्लाह का तकवा अल्लाह का डर अमली तौर पर पैदा करने की कोशिश करें अपनी जिंदगियों में अल्लाह का डर ऐसे पैदा करें कि हम कुछ करें तो अल्लाह की खातिर करें भलाई हो तो अल्लाह की खातिर हो बुराई से बचे तो अल्लाह की खातिर बचे। र्ज़ ये कि हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजरे दुनिया में खाएँ पिएँ दुनिया में पढ़ें लिखें दुनिया में तजारतें करें दुनिया की हर नहमत से लज्जत अफरोज़ हो दुनिया की हर लज्जत से फ़ायदा जरूर उठाएँ लेकिन शरीयत के हदूद में शरीयत के दायरे में रहते हुए अल्लाह का खौफ रखते हुए आप अगर दुनिया के फायदे को उठाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया की भी हिफाजत कर लेगा मोजत हाजरीन गैर मुस्लिमों के डर की बात मुख्तलफ हमें किसी का हसद किसी की दुश्मनी किसी का मखर यह हमें नुकसान पहुंचा देता है इन तमाम से बचने का रास्ता यह है कि वह इन तस्वुर कि अगर तुम अल्लाह का तखवा इख्तियार करोगे अल्लाह से मानों में डरने वाले बनोगे तो अल्लाह ताला ग़ैब से तुम्हारे लिए तुम्हारी हिफाजत के रास्ते खोल देंगे गैब से हिफाजत के रास्ते खोल देंगे अल्लाह ताला ने अम्बिया में मुख्तलिफ अम्बिया के वाक़ जिक्र किए मख्तलि अंबिया को उनकी कौमों ने झुटलाया उनकी कॉमों ने अजाब दिया तकलीफ़ दिया लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की हिफाजत कर ली नबियों पर ईमान लाने वालों की हिफाजत कर ली फिर अल्लाह ने फ़रमाया वक़ाली का मंजिल ममिन जैसे हमने नबियों को बचाया वैसे हम तमाम मोमिनों को भी नजात दिलाएंगे शर्त यह है कि हमारे दिलों में हकीकी ईमानों में तकवा होना चाहिए और मजद्रीन इसी तरीके से दुनिया में जो फ़ायदे तकवे से हमें हासिल होते हैं उसमें से एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद की हिफाजत कर लेते हैं हमारी औलाद की हिफाजत कर लेते हैं आजकल हमें डर लगा रहता है हमारी अपनी औलाद का कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा उनके ताल्लुक़ से हमें बड़ी फिक्र लाइक होती है अगर हमारे दिलों में हकीकी मानों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला हमारी औलाद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेते हैं वलअल अलैहिम फलत वल कल सदीदा फरमाया अल्लाह ताला ने कि जिन लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि वो इस दुनिया से चले जाए, उनके पीछे उनकी औलाद कमज़ोर औलाद रह जाए तो उनको डर लगा रहता है उनको डर लगा रहता है कि उनकी औलाद का क्या होगा उनकी औलाद का क्या होगा अल्लाह उन लोगों को खिताब करते हुए कहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का तकवा दिलों में इख्तियार करें अल्लाह से डरने वाले बने फल तकुल्लाह वलोल कौल सदीदा अपनी जबान को दुरुस्त रखें अपनी जबान को साफ रखें अपनी जबान से सही बात निकालें अपनी जबान से गलत बातें ना निकालें फल तकुल्ला वलोकन सदीदा अल्लाह का तकवा दिलों में हो और हमेशा सीधी बात करें सही बात करें सच्ची बात करें अच्छी बात करें तो अल्लाह ताला तक औलाद की हिफाजत कर लेते हैं तो मजदूर हाजरीन हमें औलाद के तलुक से तरबियत का पूरा अहतमाम करना चाहिए औलाद की तलीम तरबियत का पूरा ख्याल करना चाहिए उनकी दुनवी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा दीनी तरबियत का हमें ख्याल करना चाहिए अब इसके बाद हम मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें हम अपने आप को सुधारे रखें अपने आप को सही रास्ते पर रखें अल्लाह से डरने वाले बने तन्हाइयों में अल्लाह का डर जरूर दिल में रखें अपनी तन्हाइयों में अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाएँ अल्लाह ताली औलाद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं और इसी तरीके से दुनिया का एक और फ़ायदा मैं आखिर में ज़िक्र कर दूँ जिससे जिससे क्या है कि इंसान दुनिया में अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारे दुनिया में अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारे याद रखें ए नमाय फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला किल्ला ही के अमाल को कबूल फरमाते हैं तकवे वालों ही के अमाल को कबूल फ़रमाते हैं मज़साज हमें से हर एक की ख्वाहिश होती है हमें से हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसकी नेकियां अल्लाह के नज़दीक मकबूल हों वो कोई बुरा काम भी छोड़े तो उस पर अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता है उसका दिल चाहता है कि वो काम कर ले, लेकिन वो अपने दिल को कब्ज़े में करके अपने दिल पर काबू करके उस मनपसंद चीज़ को छोड़ करके अल्लाह से सवाब की उम्मीद करता है तो ये तमाम चीज़ें उसी वक्त आपकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो सकती हैं जब आपके दिलों में अल्लाह का तकवा अल्लाह का डर हो इनमाय तकबरल्लामुतकी बेशक अल्लाह ताला ताली ही से कबूल करता है गैर मुतकीियों से अल्लाह ताला कोई नेकी कबूल नहीं करता मज़्साजरीन क्या होगा उस दिन कि हम तमाम नेकियां लेकर के अल्लाह ताला के पास जाएं हमारे निकियाँ हमारे काम ना आ सकें हमारी भलाइयाँ हमें फ़ायदा ना पहुँचा सकें आखिरत में अल्लाह के अजाब के नौजबिल्ला मुस्तहिक़ हो जाए उस दिन का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होगा फेज तकवा तकवा सबसे बेहतरीन तोशा है तकवा सबसे बेहतरीन तैयारी है जो इंसान लेकर के अल्लाह ताला के पास जा सकता है जिससे उसके अमाल कबूल होंगे उसकी नेकियां कबूल होंगी सले साल कहा करते थे अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी की ए, मेरी कोई एक छोटी सी नेकी कबूल हो गई हो तो ये मेरे जिंदगी के लिए मेरी आखिरत के लिए काफ़ी है क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इन नमाय तक कब्बल बेशक अल्लाह बे ताला मुत्तकियों ही से कबूल फरमाते हैं तो मजदत हाजरीन ज़िंदगी में बड़े नेक नेकमाल हम करने की कोशिश करते हैं अगर दिलों में तकवा ना हो अगर दिलों में अल्लाह का डर ना हो अगर गैब में अल्लाह तो की खशियत ना हो तो अल्लाह के नज़दीक आमाल कबूल नहीं होंगे जिंदगियाँ रायगा गां जाएंगी नेकमाल गारत चले जाएंगे बुराइयाँ नेकियों को खा जा जाएंगी जुल्म नेकियों को खा जाएगा मजदत हाजरीन इन तमाम की हिफाजत अल्लाह के डर से होती है अल्लाह के तखवे से होती है उन तमाम की हिफाजत अल्लाह ताला का खौफ अपने दिलों में पैदा करने की कोशिश करें इससे इन तमाम की हिफाजत होती है और अल्लाह ताला ही से आमाल को कबूल फरमाते हैं तो मजह हाजरीन ये कुछ फ़ायदे मैंने तमाम फायदों का जिक्र नहीं किया कुछ फ़ायदों का मैंने आपके सामने जिक्र किया है जो दुनिया में अल्लाह ताली उन लोगों को देता है जिनके दिलों में हकीकत में अल्लाह का डर हो गैब में अल्लाह से डरने वाले हों आख़रत के फायदे बहुत हैं इन शाह किसी और मौके पर मैं आखिरत के फ़ायदों का तस्करा करूंगा कि अगर अल्लाह से डरने वाला दुनिया में अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारे तो अल्लाह ने उसके लिए आखिरत में क्या क्या सवाब के वादे किए हैं क्या क्या इनाम अल्लाह ने उसके लिए रखे हैं लेकिन ये दुनिया के फायदे जो मैंने आपके सामने जिक्र किए इसमें से एक फ़ायदे के लिए भी अगर बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों को टटोलें दिलों को साफ करने की कोशिश करें दिलों को अल्लाह के तकवे से भरने की कोशिश करें हाजरीन हमारे पास हमारी अपनी ज़िंदगियों में दिखावा बहुत है दिखाने के लिए बड़े काम करते हैं दिखाने के लिए बहुत चीजें हमारे पास पाई जाती हैं नेकियों का अंबार दिखावे का हमारे पास लगा है लेकिन हकीकत में अल्लाह से डरते हुए अल्लाह से डरते हुए किए गए काम अगर हो तो हो सकता हमारी जिंदगी उससे खाली हों हो सकता हमारी जिंदगी उससे खाली हाजरीन यही अल्लाह के डर से किए हुए जिसमें अल्लाह अल्लाह के डर के अलावा कोई चीज़ ना हो अल्लाह के डर के अलावा कोई चीज़ ना हो आपने कोई नेकी कर ली हो आप किसी बुराई से अपने आप को बचा लिए हो सकता है एक नेकी आपको आपकी नजात के लिए काफ़ी हो जाए दुनिया की बरकतों के लिए काफ़ी हो जाए दुनिया की कामयाबी के लिए काफ़ी हो जाए तो इस बात की कोशिश करें कि अल्लाह कर दिलों में पैदा हो अल्लाह कर दिलों में पैदा करें खसूसी तौर पर अपनी तन्हाइयों में जब सिवाय अल्लाह के आपके साथ कोई ना हो सिवाय अल्लाह के किसी और की नज़र आप परना पड़ती हो उस वक्त अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करके अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाए रखने की कोशिश करें और जैसा मैंने, मैंने शुरू में कहा था तकवा कहते इस बात को हैं कि आप कोई नेकी का, का काम करें आप कोई भलाई का काम का करें तो आपके पास सबसे पहले सबूत होना चाहिए कि यह भलाई का काम है यह अच्छाई का काम है अल्लाह की तरफ़ से कुरान में अल्लाह के नबी की तरफ से अदीस से कोई दलील आपके पास हो वरना बहुत से काम ऐसे हैं जो हम नेकी समझ के कर लेते हैं भलाई समझ के कर लेते हैं लेकिन वो काम हमारे लिए वबाल जान बन जाते हैं मुसीबत बन जाते हैं तो मज्जतरी नेकी हो नेकी का सबूत कुरान और हदीस से हो और इसी तरीके से मकसद अल्लाह की रजा हो ये तकवा है और आप किसी बुराई से अपने आप को बचाते हैं किसी गलत काम से अपने आप को बचाते हैं तो उसको गलत साबित करने के लिए आपके पास कोई कुरान से दलील हो अहदीत से दलील हो उसके बाद आप अल्लाह की रजा के लिए उस बुरे काम को छोड़ें यह हकीकत में तकवा है यही नेकियां आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी यही नेकियां दुनिया में मुख्तलिफ बरकतों का आपको हकदार बनाती हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह ताला रियाकारी और दिखावे के कामों से हमारी जिंदगियों को महफूज़ रखे अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों की हिफाजत फरमाए अल्लाह हमारी तन्हाइयों की हिफाजत फरमाए

فانصرنا القوم الكافرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم